नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चरवा का भाई डीजे भाई यूट्यूब चैनल पर। और गाइस हमारा ये देखिए टंकी लगा है, पानी भर जाता है और काफ़ी बहता है, जिससे इधर आता है तो लफड़ा हुआ करता है। ये साइड में देखिए पूरा इधर से बह के पानी नीचे बहुत सकल बह जाता है, टंकी भर जाती है पता नहीं चलता। और सौर ऊर्जा से ही अपनी टंकी को हम चलाते हैं। इसके लिए देखिए ये सिस्टम लेकर के आया हूँ ताकि पानी किसी के इधर उधर नहीं बहेगा और फुल होने से पहले ही पता चल जाएगा। नीचे इसको सेट करेंगे और जैसे ही फुल होगा टंकी पता चल जाएगी और बंद कर देंगे। तो आइए सबसे पहले इसका आपको कनेक्शन करने के लिए बताते हैं कैसे क्या करना है, और इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे ये पड़ा है 160 रुपये का दोस्तों, और ये कुछ इस प्रकार से देखिए है यहाँ पे, और कंपनी है इसमें लिखा है JJB वोटर फ्लो अलार्म, ये लिखा हुआ है देखिए ओवर। और ये देखिए यहाँ पे इसकी वायर हमने लेकर के आए हैं, ये पड़ी है हमें 80 रुपये की, 15 मीटर है। ये जो DTH की केबल सिंग छतरी में इस्तेमाल किया जाता है वो वाली वायर है। तो इसकी दो तार को हम यहाँ इसको ये वाला हिस्सा काट के निकाल देंगे, और यहाँ पे एक इसमें ये देखिए पतली सी तार है ना, इसमें एक फेस लगाएंगे और एक इसमें लगाएंगे। तो कुछ इसका यहाँ कनेक्शन करके, और दूसरा साइड भी ऐसे है, ये देख लीजिए दूसरा साइड ये है। तो इसको पानी के अंदर टैंक में डाल देंगे और उसके बाद जो है जैसे भी पानी भर जाएगा पूरा कनेक्शन आपको जो है यहाँ पे सुनाई दिया करेगा। तो आइए एक एक करके सभी कनेक्शन करते हैं, वीडियो में बने रहें, आपको भी पता चल जाएगा कैसे कनेक्शन इसका करना है। सबसे पहले ये तार लेकर के और ये सीढ़ी देखिए लगा दिए हैं इसके ऊपर चढ़ने के लिए। तो आइए हम लोग इसके ऊपर चलते हैं और फिर इसका कनेक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों ओवरफ्लो हो जाने की वजह से देखिए पानी कैसे हमेशा भरा रहता है, जिसकी वजह से छत भी खराब हो रही है। इससे बचने के लिए दोस्तों हम ये जुगाड़ करने जा रहे हैं, काफी दिनों से सोच रहे थे। और देखिए दोस्तों हमने ढक्कन को खोल करके बाहर हटा दिया, ये अपनी तार रखी है, देखिए टैंक इस समय एकदम फुल है, यहाँ पे देखिए पानी भरा हुआ है। और ये इसका मिडिल पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये छेद है यहीं पर, इतनी दूरी इसी के नीचे लटकाना है इतने पे ही, ताकि जैसे ही पानी भर जाएगा तो बोलना शुरू कर देगी और टाइम रहते हम बंद कर देंगे गाइस। तो कुछ इस प्रकार से है, और ये अपना देखिए पैनल लगा हुआ है, यहाँ से पूरा एरिया दिखाई देता है, काफ़ी ऊंचाई पे हम इस समय खड़े हैं, डर भी लग रहा है गाइस कुछ। इस समय अपना इस साइड में अपना पूरा मार्केट है चरवा चौराहा, और उसी के नाम से हमारा नाम DJ है, तो चरवा का भाई DJ भाई यूट्यूब चैनल पर नाम रखा गया है। और चलिए वो देखिए अपना डिवाइस रखा है, इसको यहाँ पर तार को जो है खोलते हैं और लगाते हैं फिर दिखाते हैं। और दोस्तों देखिए अपना ढक्कन टूटा हुआ था, तार को हमने खोल दिया है, कुछ इस प्रकार से फैला दिया है। दोस्तों आप भी यही तार खरीदिएगा, 80-90 रुपए की एक बंडल मिल जाएगी। पानी में छोड़ दिए हैं, थोड़ा इसको जो है और ऐसे कर देते हैं, ज़्यादा वो नहीं करेंगे ताकि बराबर से वर्क करे, कुछ इस प्रकार से इतने पे ही बांध देते हैं। उसके बाद ढक्कन को टाइट करके चलिए नीचे इसकी मशीन को फिट करते हैं। देखिए दोस्तों अच्छे से हमने ये फिट कर दिया है, और यहाँ पे गांठ लगा दिए हैं ताकि ये खुले नहीं, बाहर को खींचे ना और निकले ना, तो अच्छे से बांध दिया है। अब आइए नीचे चलते हैं और मशीन को फिट करते हैं। सर ये आ चुका है, कुछ इस प्रकार से वायर अपनी गिरी हुई है, इसको लेकर के चलते हैं नीचे, मोटर स्टार्टर के बटन के पास लेकर के रखेंगे और इसको यहाँ से काट के निकालेंगे। और ये दो तार लगी हुई है, इसमें इसको कनेक्ट करेंगे, और इसके साथ एक केबल लगी है, इसको लाइट में लगाएंगे। और दोस्तों देखिए ये अपना वाटर फ्लो मशीन यहाँ पर टंग चुकी है, और ये देखिए प्लग है, इसको यहाँ पे प्लग में ये लगा देंगे इस प्रकार से। और यहाँ देखिए लाइट आ गई, निकाल छत पर से टंकी में से आई है जो, देखिए इसमें वायर लगाएंगे, एक इसमें लगाएंगे, यहाँ पे दो वायर निकली हुई है देख लीजिए, ये देखिए दो वायर है, दोनों को एक एक में कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद जो है अच्छे से ये बताने लगेगी। तो आइए फटाफट से इसका कनेक्शन करते हैं, और यहाँ पर ये टेप रखा हुआ है, टेप लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक फेस हमने लगा दिया वायर को, ये इसको टेप मार देते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक वायर को हमने कनेक्ट करके इसमें और टेप मार दिया, दूसरी यहाँ पे कनेक्ट करना है, और ये कि हमारा जो दूसरा ये तार का है प्लग ऊपर वहाँ पे टंकी में डाला हुआ है, पानी में टच है, इसलिए अभी देखिए जैसे ही इसको टच करेंगे देखिए कैसे बोलेगा, ये देखिए तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आवाज़ आई, पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दें। तो ये कनेक्शन हो चुका है, एक फेस वायर अभी ये देखिए निकली हुई है, इसको उसमें लगा देते हैं ये पतली वाली वायर में, और इसको बांध के फिट कर देते हैं, जब टंकी चालू करना होगा तभी ये प्लग लगाएंगे, वरना बाहर निकाल दिया करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं और फिर आगे दिखाते हैं।
और यहाँ पे दोनों वायर को अच्छे से देखिए कनेक्ट करके टेप मार दिया और ये अपनी मशीन को टांग दिए हैं दीवार पे। और यहाँ पे ये स्टार्टर की बटन है, ये देखिए ये मोटर की है जो 1 HP की लगी हुई है। जब इसको ज़रूरत होगी तो यहाँ पे ऐसे हम लगा देंगे और उसके बाद इसको बाहर निकाल के कुछ इस प्रकार से ये वाला प्लग यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए और ये वाला हिस्सा यहाँ पे ऐसे लगा देंगे और जब ये बोलेगा, क्योंकि अभी टंकी फुल है, और इसको यहाँ से जब निकाल देंगे, जब हमें पानी भरना होगा तभी ये प्लग को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, वरना ऐसे निकाल दिया करेंगे बाहर ही ऐसे लटकता रहेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि जब तक फिर पानी खाली नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही बोलता रहेगा, जब तक तार से वहाँ नीचे नहीं उतरेगा। तो इसलिए जब ज़रूरत होगी खाली रहेगा तो यहाँ पे लगा देंगे, और जब टंकी भर गई बोलना चालू करेगा उसके बाद बंद कर देंगे, तार निकाल देंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हमारी तरफ से, यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। जैसा भी कोई सवाल हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।